अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम आज आपको लेके आए हैं कुछ लेंजे एंड साथ में बॉडीज भी लेके आया हुआ है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर लाजमी क्या करो। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बताएँगे सैमसंग का हमारे पास कैमरा जो पड़ा हुआ है, मिररलेस कैमरा पड़ा हुआ है। NX1100 मॉडल है जो 20 मेगापिक्सल है एंड इसमें वाईफाई भी है, साथ में फ्लैश भी है और ये लेंस चेंज भी हो जाता है। इसका प्राइस 16,000 रुपये है और कैमरा बिल्कुल साफ सुथरा कैमरा। इस टाइम आप कैमरा देख सकते हो, सैमसंग का NX1100 मॉडल। उसके बाद आ गया QV605 है जो इस टाइम हमारे पास पड़ा है, फुल फ्रेम का लेंस है, जिस तरह कि आप लोग 6DP लगा सकते हो, 5D Mark III, 6D Mark II, उसके लिए फुल फ्रेम लेंस है। तो इसका प्राइस 28,000 है, कंडीशन साफ सुथरी कंडीशन है, QV605 STM लेंस है। उसके बाद आ गया 1855 लेंस, STM लेंस जो आपकी आटो बॉक्स बॉडी के लिए है। 1855 दूसरा लेंस भी है, वो दूसरे मोटर वाला होता है, लेकिन ये STM है। ये आप देख सकते हो इस टाइम लेंस बिल्कुल साफ़ सुथरा लेंस है। इसका प्राइस 8,000 रुपये है और लेंस बिल्कुल साफ़ सुथरा लेंस है। उसके बाद आ गया 50mm लेंस जो हमारे पास पड़ा हुआ है, बिल्कुल नया पड़ा हुआ है, साथ में बुक्स भी है, 10x10 कंडीशन है, 13,000 रुपये का है और ये STM है। इसका परचर 1.8 परचर है और ये अब आटो बुक जो बॉडी है उसके लिए बेस्ट लेंस है, वीडियो के लिए भी और फोटोग्राफी के लिए भी 1.8 लेंस है STM। उसके बाद आ गया पेनस सोने का हमारे पास मिरर पिक्सलिंग वाला कैमरा पड़ा हुआ है, जो इस टाइम आप देख सकते हो LZ40 42, एक जूम है इसका और 20 मेगापिक्सल है। कैमरा बिल्कुल नया कैमरा है, देख सकते हो कंडीशन इसकी, बिल्कुल साफ़ सुथरा कैमरा है, साथ में बुक्स भी है, बैटरी हर एक चीज़ साथ में है। इसका प्राइस 18,000 रुपये है और कैमरा बिल्कुल नया कैमरा है, साथ में 3 महीने गारंटी भी है। उसके बाद आ गया आउटडोर लेंसेज जो आउटडोर के लिए यूज़ होते हैं, वो लेंस मेरे हम लेके आया हुआ है। सबसे पहले टिमरॉन के बारे में बताएंगे, टिमरॉन में पड़ा हुआ हमारे पास कैनन अमाउंट में, जिस टाइम आप देख सकते हो ये कैनन अमाउंट में। इसका प्राइस 14,000 रुपये है और लेंस साफ़ सुथरा लेंस है, देख सकते हो इस टाइम आप लोग। 70-300 आउटडोर की लेंस है, इनडोर लेंस है, ये आउटडोर पे यूज़ होता है, टिमरॉन कंपनी का है। उसके बाद आ गया टिमरॉन में निकॉन अमाउंट में, जिस टाइम आप देख सकते हो ये निकॉन अमाउंट में है लेंस और ये भी 70-300 है, ये भी आउटडोर के लिए है, ये निकॉन अमाउंट में है, ये भी 14,000 रुपये का है, लेंस साफ़ सुथरा लेंस है, जिस टाइम आप देख सकते हो। उसके बाद आ गया वही कैनन अमाउंट में है, ये निकॉन अमाउंट में है लेंस, सेम वही फीचर है इसका भी, 70-300 आउटडोर लेंस, इसका भी प्राइस 14,000 रुपये है और लेंस आप देख सकते हो इस टाइम साफ़ सुथरा लेंस है। उसके बाद आया कैनन का 75-300 लेंस जो आउटडोर लेंसेज है। सबसे पहले देख सकते हो ये लेंस, इसे कंडीशन ये कड़ा टूटा हुआ है, इसकी कंडीशन 10-9 है, इसका प्राइस 11,000 रुपये है और लेंस आप देख सकते हो, बाकी कंडीशन साफ़ सुथरी है, वर्किंग में भी ओके है। कैनन का 75-300 लेंस आउटडोर के लेंस ये। उसके बाद आ गया वही 75-300 लेंस, लेकिन इसका कंडीशन साफ सुथरी कंडीशन है, कैनन मोड में है 75-300 लेंस, ये भी आउटडोर लेंस है और इसका प्राइस 14,000 रुपये है, लेंस आप देख सकते हो इस टाइम। उसके बाद आ गया 75-300 दूसरा लेंस हमारे पास, ये 10-8 कंडीशन है, इसका प्राइस 12,000 रुपये है और तो इस टाइम इसका देख सकते हो, ये भी आउटडोर के लिए यूज़ होता है, इनडोर यूज़ नहीं होता है। उसके बाद आ गया निकॉन का हमारे पास पड़ा हुआ है 18-135 लेंस, जिस टाइम आप देख सकते हो 10-9 कंडीशन है, 18-135 लेंस, जिस टाइम देखते हैं ये इनडोर भी है, आउटडोर लेंस भी है और ये देख सकते हो इस टाइम। उसके बाद आ गया सिग्मा का हमारे पास पड़ा हुआ है 70-300 लेंस, जिस टाइम आप देख सकते हो ये सिग्मा में 70-300 लेंस, ये भी आउटडोर की लेंस है, इनडोर लेंस नहीं है, जिस टाइम आप देख भी सकते हो। उसके बाद आ गया 100-300 लेंस सिग्मा में, सेम वही सिग्मा में, लेकिन ये 100-300 लेंस है, इसका प्राइस 14,000 रुपये, कंडीशन आपके सामने है, 10-9 कंडीशन है, साफ़ सुथरा है, जिस टाइम देख, ये निकॉन अमाउंट में है, जिस टाइम आप देख भी सकते हो। उसके बाद आ गया निकॉन में सिग्मा में 28-300 लेंस है, जिस टाइम आप देख सकते हो ये 28-300 लेंस है निकॉन अमाउंट में, जिस टाइम आप देख भी सकते हो, साफ़ सुथरा लेंस है, इसका प्राइस 18,000 रुपये है, 28-300 लेंस है, जिस टाइम देख भी सकते हो आप लोग। उसके बाद आ गया 18-200 लेंस सिग्मा में, जिस टाइम आप देख सकते हो 18-200 है, ये आओ का इनडोर आउटडोर दोनों लेंस है, 18-200 सिग्मा में, इसका प्राइस 15,000 रुपये है, कंडीशन 10-9 कंडीशन है, सिग्मा में है।
अब हम बताएंगे कैमरे के बारे में। जिस तरह के इस टाइम आप देख सकते हो हमने कैमरे लेके आया हुआ है। सबसे पहले तो हम 600, 700, 650, 700, 500, 550 मॉडल लेके आए। फिर निकॉन की भी कुछ बॉडीज़ पड़ी हुई, फिर किनर की और भी बॉडीज़ हमने रखी हुई है। सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे आपको। 700D टच LCD है और इसमें फिर ऑटो बुक्स भी है, रोटेटेबल LCD है, माइक ऑप्शन इसमें भी है और ये 18 मेगापिक्सल है। कंडीशन इस टाइम आप देख सकते हो, इसकी प्राइस 50,000 है, 50,000 रुपये 18-55 के साथ। जिस टाइम आप देख सकते कंडीशन 10-9 कंडीशन है और बॉडीज़ का प्राइस जो होता है ऊपर नीचे सिर्फ कंडीशन के हिसाब से होता है। कंडीशन साफ सुथरी होता है उसकी प्राइस ऊपर होता है, जैसे कंडीशन कम होता है उसकी प्राइस भी कम होता है क्योंकि वो यूज़ ज़्यादा हुआ होता है। तो ये साफ सुथरी बॉडी, इसका प्राइस 50,000 है 18-55 के साथ। उसके बाद आ गया 650D, जो इस टाइम आप देख सकते हैं। 650D और 700D में इतना फ़र्क है बस, जस्ट ये भी टच LCD है लेकिन 650D टच LCD है लेकिन इसके ऑटो बुक्स जो पॉइंट है वो कम है 700D के मुताबिक। 700D के ऑटो बुक्स पॉइंट ज़्यादा है, इसकी कम है। बाकी सेम वही पिछले माइक ऑप्शन, 18 मेगापिक्सल, बॉडी साफ सुथरी। इसका प्राइस 45,000 है विद 18-55 लेंस। उसके बाद आ गया 600D, जो इस टाइम आप देख सकते हो ये फिर टच LCD नहीं है 600D, और बाकी फीचर वही है। इसमें रोटेटेबल LCD भी है, माइक ऑप्शन भी है, 18 मेगापिक्सल भी है लेकिन ये इसमें ऑटो बुक्स नहीं है और टच नहीं है। 600D है और इसका प्राइस 40,000 है विद 18-55 लेंस। उसके बाद आ गया कैनन का 550D, ये सेम एक ही वर्जन का है। 700, 650, 600, 550 पर इसमें माइक ऑप्शन भी है, 18 मेगापिक्सल भी है लेकिन इसमें पर LCD है, रोटेटेबल LCD नहीं है इसमें। इसका प्राइस 35,000 है, बाकी सेम वही फीचर है। फिर आ गया 500D पर मेगापिक्सल भी कम है एंड इसमें माइक ऑप्शन भी नहीं है और ये पिक्सल सिटी भी है। इसका प्राइस 28,000 है विद 18-55 लेंस और ये मेगापिक्सल भी 16 मेगापिक्सल है। बॉडी बिल्कुल न्यू बॉडी, 10x10 कंडीशन लेकिन इसका प्राइस 28,000 है और इससे कम नहीं। उसके बाद आ गया निकॉन का D3100, जिस टाइम आप देख सकते हो कंडीशन साफ सुथरी कंडीशन हमारे पास पड़ा हुआ। इसका प्राइस 28,000 है, जो इस टाइम आप देख सकते हो, साथ में 18-55 लेंस लेकिन बॉडी साफ सुथरी बॉडी है, कंडीशन इसकी साफ है। उसके बाद आ गया निकॉन का D3400, जो इस टाइम आप देख सकते हो ये फिर एंड्रॉयड भी है, इसमें ब्लूटूथ ऑप्शन है और ये 24 मेगापिक्सल है। बॉडी बिल्कुल न्यू बॉडी है, 10x10 कंडीशन है। इसका प्राइस 38,000 है विद 18-55 लेंस, 38,000 क्योंकि इसकी कंडीशन बिल्कुल नई कंडीशन है। उसके बाद आ गया निकॉन का D3200 मॉडल। D3200 में फिर 24 मेगापिक्सल है एंड इसमें माइक ऑप्शन भी है लेकिन इसमें ब्लूटूथ या वाईफाई की ऑप्शन नहीं है। बाकी यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, अच्छी चीज़ है, 3200 टिकटॉक या यूट्यूबर के लिए अच्छी ऑप्शन है। इसका प्राइस 28,000 है विद 18-55 लेंस, बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी बॉडी है। उसके बाद आ गया कैनन की, हम लोग क्या है 2000D, 4000D एंड 1300D, जिसमें सारे में वाईफाई ऑप्शन है। और सबसे पहले हम 1300D के बारे में बताएंगे आप लोगों को। 1300D 18 मेगापिक्सल है एंड इसमें वाईफाई ऑप्शन भी है और वीडियो ऑप्शन भी है लेकिन इसमें माइक ऑप्शन नहीं है। कैमरा आप लोग के सामने साफ सुथरे कंडीशन में है। जिस तरह के 4000D भी है, 4000D और 1300D में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो 4000D और 1300D में बहुत फ़र्क है। रिजल्ट के मुताबिक से इसका रिजल्ट बहुत हल्का है 4000D का। बाकी सेम फीचर, ये भी 18 मेगापिक्सल है, ये भी 18 मेगापिक्सल है, इसमें भी वाईफाई है, इसमें भी वाईफाई है, सेम फीचर है लेकिन 4000D की क्वालिटी हल्की है। एक तो इसके ऊपर प्लस गन आप अपना लगाओगे क्योंकि इसके हर कोई प्लस गन इसके ऊपर नहीं लगता है, इसके ऊपर आप हर किस्म का प्लस गन लगा सकते हो। इसकी वीडियो में वॉयस नहीं है, इसमें वीडियो की वॉयस है। बाकी यही समझो कि फीचर सेम है, जो मैंने बताया ये फ़र्क है थोड़ा बहुत इसमें। बाकी इसका प्राइस 35,000 है एंड 4000D का 32,000 प्राइस है। दोनों के साथ लेंस भी साथ में है एंड बैटरी चार्ज भी साथ में है। उसके बाद आ गया 2000D, जो नया मॉडल है, ये 2000D है, इसमें वाईफाई भी है लेकिन ये 24 मेगापिक्सल है और ये 10x10 कंडीशन कैमरा है, जो इस टाइम आप देख सकते हो बिल्कुल नया कैमरा है, कंडीशन इसकी देख सकते हो। इसका प्राइस 45,000 है विद 18-55 लेंस, कैमरा बिल्कुल नया कैमरा है, कंडीशन देख सकते हो इस टाइम आपको।